कल की बात की जा रही है, 29 तारीख की बात करने का प्रयास कर रहे हैं। 29 तारीख को दीपदान, यम दीपदान है, धनतेरस। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि देखेंगे तो हमारे एक एक उत्सव के अंदर पांच पांच दस दस उत्सव होते हैं, उनको हमें बहुत परिष्कृत पद्धति से समझने की आवश्यकता है कौन सा उत्सव कब मनाया जाए। राजक्ष कुबेर जी की जहां तक पूजा की बात है, वो 29 तारीख के दिन सुबह का मुहूर्त बनता है, सुबह के समय से पूरा दिन का मुहूर्त वो है, उनका सुंदर आराधना करने का अवसर है। जहां तक कल की बात की जा रही है तो कल यम दीप दान का कार्य है, क्योंकि शाम प्रदोष काल के अंदर जो त्रयोदशी रहेगी तो उस समय यम के निमित्त एक अन्न की ढेरी के ऊपर शाम के समय कहा जाता है, शास्त्रीय दृष्टिकोण स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है, जिसमें एक अन्न की ढेरी बना के घर के दक्षिण दिशा के अंदर यम के निमित्त एक चतुर्मुहा दीपक प्रज्वलित किया जाता है, और कहा जाता है कि एक यदि उस कार्य को कर लिया जाए तो एक वर्ष तक पूरे अगले दिवाली तक कोई अपमृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा। ये सुंदर कार्य रहता है, इसका छोटा सा विधान है, यह घर के दक्षिण की दिशा में एक अन्न की ढेरी लगाकर शाम के समय सूर्यास्त के उपरांत तो आप जिस दिन प्रदोष काल में त्रयोदशी विद्यमान हो उस दिन ये कार्य करना चाहिए। जहां तक धनतेरस का सुंदर कार्य है, वो धन त्रयोदशी के दिन धनवंतरी भगवान की पूजा करने का विधान है, धनवंतरी भगवान का। धनवंतरी भगवान जो थे वो अमृत कलश लेके उस दिन उपस्थित हुए थे, उदयकालीन तिथि उसके लिए प्रशस्त होती है कि त्रयोदशी जिस दिन उदय तिथि विद्यमान हो उस दिन धन त्रयोदशी का हम पूर्ण शास्त्र के अनुसार से करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान धनवंतरी जो विशेष तौर पर आयु को प्रदान करने वाले देवता है, आयु की रक्षा करने वाले देवता है, अमृत का कलश लेकर सागर मंथन से जिनकी उत्पत्ति हुई है, तो उनका पूजन सुंदर रूप से विद्यमान शास्त्र में कहा गया है कि उनका भगवान नारायण के स्वरूप में उनका पूजन किया जाना चाहिए। साथ साथ उनका महालक्ष्मी का और कुबेर जी का ये पूजन उस दिन किया जाता है। एक परंपरा हमारे यहाँ बनी कि उस दिन धन महालक्ष्मी की मूर्ति जो धातु की बनी हो वो घर में लाके प्रतिष्ठित करनी चाहिए, धनाध्यक्ष कुबेर के रूप में उनकी पूजा की जानी चाहिए, श्रीयंत्र की प्रतिष्ठा की जानी चाहिए उस दिन। तो 30 तारीख के दिन वो सुंदर व्यवस्था रहेगी, उस दिन 13 दीपक जलाकर शाम के समय प्रदोष काल में सुंदर रूप से भगवती महालक्ष्मी कुबेर जी का पूजन और श्रीयंत्र का पूजन सुंदर रूप से करें, और तो आनंद की प्राप्ति के योग बनते हैं, भगवान की कृपा प्राप्ति के योग बनते हैं। और उस दिन घर में बंधन मार भी बांधना चाहिए, शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि पूरे दिवाली का उत्सव का आरंभ ही धन त्रयोदशी से होता है, हमको श्रद्धा भाव से उस दिन पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। कल की बात जो की जा रही है, कल जो है द्वादशी है, ऋषि योग त्रयोदशी है, तो गोवत्स द्वादशी का साथ साथ सुंदर योग रहेगा कल, कि गाय के बछड़े का पूजन करने का शास्त्र में नियम बताया जाता है कि द्वादशी के दिन द्वादशी को उस दिन सुंदर रूप से शाम के समय जाकर, और क्योंकि त्रयोदशी शाम के समय प्रदोष व्याप्ति व्याप्त हो जाएगी तो उस दिन सुंदर योग है, तो आप उस दिन श्रद्धा के साथ यमदीप दान अवश्य करें। दिवाली के संबंध में भी कुछ भ्रांतियां हैं, मैं कहूंगा उसको शास्त्र के दृष्टिकोण समझना चाहिए। कुछ लोगों ने तथाकथित तौर पर शास्त्र की अवहेलना करी और शास्त्र को समझने का प्रयास नहीं किया है, और जबरदस्ती कुछ प्रयास किया जा रहा है कि दिवाली को दो मतों में विभाजित करने का प्रयास किया जाए, लेकिन शास्त्र के भारतीय संस्कृति के प्रमाण जो है शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी देखें तो 99% जो पंचांग है वो एक तारीख को ही दिवाली मनाना प्रशस्त कर रहे हैं, और शास्त्रीय दृष्टिकोण से सूत्र के रूप में भी उसको समझने का प्रयास किया जाना चाहिए तो अच्छा रहेगा। बाकी तो संसार बड़ा स्वतंत्र है, हर कोई व्यक्ति अपने सजेशन को देने में, हर सजेशन को लेने में हर एक व्यक्ति को है, लेकिन शास्त्र प्रमाण जो नहीं करते हैं, शास्त्र को समझते नहीं है, तो शास्त्र गुरु कार्य करना ठीक नहीं रहेगा। तो एक तारीख की दिवाली मैं उसको सूत्र रूप में समझा भी सकता हूँ, अगर आपके पास समय हो तो मैं उसको भारतीय दृष्टिकोण से भी हम बात की जाए तो एक तारीख को ही दिल्ली में पूरे भारत के अंदर शुद्ध रूप से दीपावली मनाने का जो पर्व है उस हिसाब से मनाना चाहिए। लेकिन दिवाली भारत के देश की बात की बात करें, दुबई की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूरोप कंट्रीज की बात करें, तो वहां 31 तारीख को मनाना शास्त्र के दृष्टिकोण से ठीक दिखाई देता है, लेकिन भारत के पंचांग के दृष्टिकोण से भी, भारत के सूर्योदय वहां के अक्षांश रेखांश के दृष्टिकोण से भी हम देखेंगे तो शास्त्र मत के अनुसार से एक तारीख को ही दिवाली भारत के अंदर मनाई जानी चाहिए। ठीक है, इसके लिए प्रमाण है। लेकिन इसको लेकर अभी भी, क्योंकि डेट को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं एक को दिवाली मनानी चाहिए या फिर 31 को, इसको लेकर भी अभी भी जो संत समाज है, जो साधु संत है, वो दो धड़े में बटे हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक को होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि 31 को होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर मोहित, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, अगर वास्तु का हम ध्यान रखने की बात करते हैं तो धनतेरस के दिन वास्तु को कैसे ध्यान में रखा जाए, क्योंकि वास्तु का अपना एक महत्व होता है। देखिए, वास्तु के अनुसार जो है ईशान कोण में पूजा करना चाहिए। ईशान कोण होता है नॉर्थ ईस्ट, जो उत्तर और पूर्व की मध्य की जो दिशा है
उसका बड़ा महत्व है क्योंकि पूर्व से सूर्य उदित होता है और उत्तर में हिमालय, तो इसलिए भारतवर्ष में जो पूर्व और उत्तर की दिशा ईशान कोण मानी गई है, हिमालय से पवित्र वायु आती, वहां तमाम प्रकार के औषधियां हैं, हनुमान जी भी संजीवनी बूटी हिमालय गए थे लेने, और पूर्व से सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा के बिना मनुष्य का जीवन असंभव है, इसलिए इस दिशा में पूजन करें, और पूजन का जो पेश है वो कोशिश करें पूर्व दिशा में हो, अगर पूर्व में नहीं तो उत्तर में भी कर सकते हैं, मगर पश्चिम और दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए पूजन करते समय मुख। और वास्तु की दृष्टि से एक बात बहुत महत्वपूर्ण मैं बता दूं कि दीपावली में जो भी आपके घर में पुराना सामान, जैसे फटे पुराने जूते हो गए, खराब पड़ी जो घड़ियां हैं घर में अक्सर पड़ी रहती हैं, तो लोग उसको डाले रहते हैं, कई लोहे का सामान जंग लग जाता है, पड़ा रहता, सोचते कभी बनवाएंगे, तो वो सब चीजें हटा देनी चाहिए, क्योंकि ये जो पुराना सामान होता है टूटा फूटा, ये जो है नकारात्मक ऊर्जा जो है खींचता है अपने अंदर, आकर्षित करता नकारात्मक ऊर्जा, और हमें सकारात्मक ऊर्जा चाहिए, तो इसके लिए वास्तु के अनुसार हमें जो है वो अच्छी श्री यंत्र खरीदना चाहिए, देवी लक्ष्मी गणेश की जो पुरानी टूटी फूटी मूर्तियां हैं, चित्र हैं, या अन्य देवताओं के जो पुराने चित्र हैं खंडित हो गई हैं, वो सारी मूर्तियां और चित्र भी हमें हटा देना चाहिए, और उनका यथा योग्य सम्मान सहित जो भी उनका विसर्जन है वो कर देना चाहिए। तो दीपावली के दिन ये सारी वास्तु को ध्यान में रखते हुए बातें बताई गई हैं कि ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं ये हमारे जीवन में धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि को आने में प्रबल बाधा उत्पन्न करती है। और जब हमने जो पूजन के मुहूर्त का भी आपने पूछा था, तो पूजन का जो हमारा विष जो स्थिर लग्न होती है उसमें हमें विशेषकर जो है पूजन किया जाता है, क्योंकि इसमें लक्ष्मी जो है स्थिर रहती है, लक्ष्मी पेड़ का पूजन 6:19 से 8:15 के मध्य में ये धनतेरस के दिन सायंकाल करना चाहिए। ओम ह्रीम कुबेराय नमः, इसका जो मंत्र है 108 बार जप अवश्य करना चाहिए, इससे जो है भगवान कुबेर जो है वो जो कि धन के देवता हैं और माता लक्ष्मी तो स्वामिनी हैं, तो इसलिए इन दोनों की विशेष कृपा और ओम श्री महालक्ष्मये नमः इस मंत्र का भी 108 बार जप करना चाहिए। और बाकी जो विधि अभी आचार्य जी ने पहले बताई है कि कैसे पुष्प और रोली चंदन ये समर्पित करना चाहिए, वो तो आप करेंगे, इसके साथ में दो मंत्र जो छोटे छोटे मंत्र हैं याद करने की सहज है वो अवश्य करना चाहिए। और जो हम इसमें दीप प्रज्वलित करते हैं उसका बड़ा महत्व होता है वास्तु में, तो दीपक जो भी जलाएं तो उसको, और जो चरण पादुका जो लगाएं तो इसको द्वार पे और घर के जो चारों कोने होते हैं उनको अच्छे से स्वच्छ रखना चाहिए, और वहां पर दीप प्रज्वलित जरूर करें या लाइट वहां पर लगाएं, और जो भी लाइट आप लगाते हैं सामान्य चाहो ज्यादा चमकीली लाइट नहीं होनी चाहिए, और लाइट का जो कलर है पीला और लाल और नारंगी रंग का होना चाहिए। और जब आप बगीचे में या पेड़ पौधों के मध्य लाइट लगाएं तो हरे रंग का जो सुख समृद्धि और नीले रंग का प्रयोग करना चाहिए, और मुख्य द्वार पर और छत के ऊपर जब लाइट लगाएं तो तेज चमकीली लाइट होनी चाहिए, और दीपक जो है जब भी उसको जलाएं तो हमेशा ऐसी जगह जलाएं जहां पैर ना लगता हो, कोने में साइड में उसको प्रज्वलित करें, और विशेष कर कि कोई कपड़ा या पर्दा उसके आसपास ना हो जिससे कि आग लगने का भय ना हो, अक्सर इस तरह की घटनाएं भी दीपावली में देखी गई हैं, तो उन सब का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये भी वास्तु के अंतर्गत आता है कि जो भी आप कार्य करें वो सुव्यवस्थित हो और उसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो, और आपके लिए दीपावली शुभ हो, ये सारी बातों का इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, और गणेश जो मूर्ति है, अब इसमें वास्तु में एक टिप्स ये भी है कि क्या जो है हमें गिफ्ट हम देते हैं दीपावली में तो क्या नहीं देना, जैसे लक्ष्मी गणेश की जो मूर्ति है वो हमें गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी गणेश को लाकर हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, और देवताओं को आज के दिन दीपावली में या धनतेरस के दिन दीपावली लक्ष्मी गणेश को मतलब है कि आप अपने शुभ और लक्ष्मी को किसी को दे रहे हैं, तो इसके लिए वास्तु के अनुसार उसको देना शुभ नहीं है, आप अपने घर में ला सकते हैं, क्रय करके उसको लाएं और उनकी व्यवस्थित करके पूजा करिए, अर्चना करिए। जी डॉक्टर मोहित, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगी, जिसमें हम कुछ और भी सामग्री बता रहे हैं जिसमें झाड़ू है, सूखा धनिया है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनका पूजन दिवाली के दिन किया जाता है, तो कौन कौन सी ऐसी और ख़ास चीज़ें हैं जो धनतेरस पर खरीद सकते हैं जिसकी पूजा हम दिवाली पर करते हैं या जो पूजा सामग्री में काम आता है? देखिए, एक बंधन वार होता है
चरण पादुका होता है, तो लक्ष्मी जी के चरण पादुका हथेली के जो ये मध्य ये आकार है, इस आकार का लेना चाहिए, इससे बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं लेना चाहिए। और जो चरण पादुका ले वो आपस में जुड़ी ना हो, वास्तु शास्त्र कहता है वो अलग अलग होनी चाहिए। और चरण पादुका को मुख्य द्वार पे लोग लगा देते हैं, वहां ना लगा के मंदिर में प्रवेश करते समय उसको लगाना चाहिए। मुख्य द्वार पर लगाने से क्या होता है, उस पर लोगों का पैर पड़ता है, तो इसलिए वहां पर ना लगा के अंदर की ओर लगाइए, जिससे ये प्रतीक हो कि लक्ष्मी जी जो है वो आपके मंदिर में प्रवेश कर चुकी है। और दूसरी बात यह है कि आप जब जो द्वार पर क्या लगाए थे, द्वार पर दो चीजें वास्तु कहता है, एक तो बंधनवार, जैसे कि आम का ये जो पत्र होते हैं उनसे भी आप बंधन बना के लगा सकते हैं। इसके अलावा बने बनाए बंधनवार आते हैं, शुभ लाभ वगैरह लिखा हुआ कलश बना वो भी आप लगा सकते हैं, यदि आपको आम के पत्ते नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। वैसे आम के पत्ते बहुत शुभ पूजा में माने गए, क्योंकि आम एक ऐसा वृक्ष है जो कभी उसके पत्ते सूखते नहीं, पतझड़ में वो हमेशा सुख समृद्धि हमारे घर में बनी रहे, धन धान की कमी ना हो, इसके लिए विशेष उसका महत्व होता है। और इसके साथ में जो भी पूजा की सामग्री है वो भी आप जो है धनतेरस वाले दिन उसके साथ में सारी चीजें खरीद सकते हैं। तो इन सब चीजों का और शुभ लाभ जो होता है वो आपको मुख्य द्वार पर अवश्य लगाना चाहिए। शुभ लाभ जो भी लगाएं तो आप अपने हाथ से रोली से भी बना सकते हैं, और जो लोग बने बनाए लाना चाहते वो भी लाएं। और स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है उसको हमेशा सही बनाना चाहिए, गलत चिन्ह बनाने से अशुभ होता, मतलब हमारे जीवन में हमेशा शुभ रहे। तो मैं स्वस्तिक का चिन्ह आपको बता देता हूँ कि देखिए, जैसे विष्णु जी का चक्र ऐसे घूमता है दाहिनी तरफ से, तो उसकी जो तीलियां है वो ऐसे दाहिनी तरफ, कई मैंने बुद्धिजीवी लोगों को देखा कई वीडियो ऐसे बारे जो गलत चिन्ह बना रहे थे स्वस्तिक का, आजकल लोग तो उल्टा चिन्ह बना देंगे अगर आप, तो उससे सब कुछ उल्टा होने लगे। वो चक्र है जीवन चक्र, और ये विश्वख्यात चिन्ह है, और एक मैंने तो देखा कई राष्ट्र के एक राष्ट्र के झंडे में भी इसका प्रयोग होता है स्वास्तिक। तो इसलिए इसको जो है दाहिनी तरफ ऐसे घूमता हुआ बनाना चाहिए, और इसमें जो लोग लकीरें निकाल देते हैं वो नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि उससे रोक लगती है। तो ये चक्र है, ये चक्र हमेशा सीधा चलना चाहिए। तो स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए, त्रिशूल का चिन्ह बनाइए, और ये सारे जो शुभ चिन्ह है, कलश है, ये सब जो है आप मुख्य द्वार पर शुभ लाभ जरूर लिखिए, ये जो है मुख्य द्वार पर आप करिए। मगर चरण पादुका को मंदिर के बाहर लगाना चाहिए, ऐसा जो है शास्त्र का, वास्तु शास्त्र का मत। ठीक है विक्रमादित्य जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्या राशि के अनुसार भी कोई खास विधि है, और जो लोग इस बार अपने व्यापार में समृद्धि चाहते हैं उनके लिए क्या धनतेरस पर कोई अलग पूजा की विधि है, कैसे धनवंतरी को खुश करें, जो घर लेना चाहते हैं, जो नौकरी में उन्नति चाहते हैं उनके लिए कोई खास विधि जो इस पूजा में वो कर सकते हैं धनतेरस के दिन? अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमारी भारतीय संस्कृति में पूजन के इतने विधान शास्त्र में बताए गए हैं कि जैसे आपका विश्वास जागता है उसके अनुसार से आप कर सकते हैं। सभी जी ने आपको पंचोपचार पूजन का विधान उपस्थित किया, इसी प्रकार से षोडशोपचार पूजन करने का भी शास्त्र में दिया है, राज्योपचार, 64 उपचार, अनेक प्रकार की यानी व्यवस्था। मन को सुदृढ़, सबसे पहली आवश्यकता है कि मन को सुदृढ़ करें कि हम विश्वास जगाएं। सबसे पहले जो हम पद्धति कर रहे हैं वो बिल्कुल परिष्कृत है, बिल्कुल ठीक है। त्रुटि का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम वास्तविक तौर पर हम मानव हैं, हम कितने प्रकार से कार्य कर ले कहीं ना कहीं कोई त्रुटि तो रह सकती। तो हम सबसे पहले तो श्रद्धा को, विश्वास को ठीक करते हुए शुभ मुहूर्त में कार्य करने का प्रयास करें। धनाध्यक्ष कुबेर जी की पूजा करने का सबसे पहले मंत्र नोट करने में आपको बताऊं, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्य स्मृतिम मे देई दापये, ये शास्त्रोक्त मंत्र है, इसका सुंदर रूप से स्तवन कर सकते हैं, सुंदर रूप से उनका पूजन कर सकते हैं। कुबेर जी के साथ महालक्ष्मी जी की प्रतिष्ठा करने का सुंदर बहुत रहता है। राशि के दृष्टिकोण से उसको एक विकसित करने का प्रयास किया जाता है कि राशि के दृष्टिकोण से हम जो जन्मपत्री के दृष्टिकोण से आपकी चंद्रमा जहाँ विराजमान है उसके हिसाब से, राशि के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि मेष संबंधित राशि है तो हम कोशिश ये करें भगवती महालक्ष्मी की सुंदर प्रतिष्ठा करने के बाद उनको रक्त वस्त्र धारण करा के सुंदर रूप से उनकी प्रतिष्ठा करें, उनको पूजन सामग्री के रूप में सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि जो गुड़ से बनी हुई मिठाई है वो उनको अर्पित करने का प्रयास करें, और दीपक जो जलाए उसमें लाल कम से कम रोली अवश्य उपस्थित करने का प्रयास करें। इस रूप से यदि हम पूजन करेंगे तो भगवती कृपा से सुंदर रास्ते सुंदर रूप से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं वृषभ राशि के संबंध में यदि बात करें तो शुक्र प्रधान राशि है, और हम उसमें ये करें कि हम श्री यंत्र को अवश्य स्थापित करें, भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का उनके विभिन्न स्वरूप है, पिंडात्मक रूप भी है, उसी प्रकार से श्री यंत्र का सबसे श्रेष्ठ रूप माना जाता है,
यदि आप धातु से निर्मित श्रीयंत्र को भगवती को के निमित्त वहां पे उस दिन धनादक्ष कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए, भगवती को प्रसन्न करने के लिए प्रतिष्ठा के रूप में करेंगे तो बहुत सुंदर रास्ते बनने के प्राप्त योग बने। इसी प्रकार से मिथुन राशि के संबंध में बात करें तो हम दक्षिणावर्ती शंख को स्थापित कर सकते हैं, वो भी साक्षात महालक्ष्मी का और श्री गणेश का सुंदर प्रतीक माना जाता है। और कहा जाता है कि जहां ये वास होता है दक्षिणावर्ती शंख का, भगवती की कृपा अवश्य प्राप्ति होने के योग बन जाते हैं। तो भगवती के समस्त पूजन के रूप में ही ये दक्षिणावर्ती शंख को साक्षात भगवती का स्वरूप ही माना जाता है। यदि आप उसको खड़ा करके देखेंगे तो उसकी आकृति गणेश के स्वरूप में ही होगी और उसमें दोनों का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप उनको प्रतिष्ठित करके कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रास्ता आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। वही कर्क राशि के संबंध में यदि बात करें तो सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि आप कर्क राशि को ये संबंधित चंद्रमा संबंधित राशि है तो शंख को भगवती के रूप में वहां प्रतिष्ठित करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। डॉक्टर एच एस रावत हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।